अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों का ये सवाल है कि मुहर्रम के महीने में शादी करना कैसा है, निकाह करना कैसा है, क्या मुहर्रम के महीने में शादी निकाह कर सकते हैं कि नहीं। बहुत लोग इस महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहते हैं और वो इस महीने को गमी के महीने से ताबीर करते हैं। ये महीने को कहते हैं गमी का महीना है और गमी के महीने में गम मनाते हम लोग, शादी नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों, ये तरीका कैसा है, क्या ये बात सही है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी करना मना नहीं है, मुहर्रम के महीने में निकाह करना मना नहीं है। आप शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, बिल्कुल जायज है दोस्तों ये। और जो दूसरी बात, लोग जो कहते हैं ये गमी का महीना है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये गमी का महीना नहीं है। गमी किस चीज की है, गमी किस चीज की है, गमी नहीं है दोस्तों, ये गमी का महीना नहीं कहना चाहिए किसी को। बल्कि इस महीने में सैयदुश्शोहदा शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, और शहीद जिंदा होता है, जिंदों के लिए गमी किस चीज का होता है, लिहाजा आप गमी ना करें। उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी पिलाओ, उस दिन ज्यादा से ज्यादा घर में फातिहा करो, लोगों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, ना कि अपने घर में ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, ऐसी बातें। तो प्यारे दोस्तों, शादी करना, निकाह करना जायज़ है, आप ये कर सकते हैं, इससे कोई मुजायका नहीं है कि इस महीने में शादी करने से परेशानी आएगी या इस महीने में शादी करने से दुल्हन की चाल चरित्र खराब हो जाएगा, ये वो और कुछ हो जाएगा, इसी हजारों बातें मनगढ़ंत कहानी, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो कहते हैं कि शादी नहीं करना चाहिए, वो तो किताबों में देख के नहीं कहते हैं। अगर आप उनसे पूछो कि भाई कहाँ लिखा है कि शादी नहीं करना चाहिए, तो वो आपको हवाला देंगे कि हमारे पुरखों ने शादी मुहर्रम के महीने में नहीं किया है, और हमारे जो बाप दादा थे, आबा अजदाद जो थे, मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करते थे, तो हम भी नहीं करेंगे। तो हजरत, ये कोई दलील नहीं है। अब आपके पुरखों ने जो मुहर्रम के महीने में शादी नहीं किया, तो हम भी ना करें। मुहर्रम के महीने में अगर वो कोई दूसरा काम ना किया, तो हम ना भी ना करें। अगर मुहर्रम के महीने में वो फातिहा दुरूद नहीं करता था, तो हम भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप मुहर्रम के महीने में शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, और अपनी खुशियां मना सकते हैं कि मुहर्रम का महीना आया है, नया साल है। और जो लोग कहते हैं कि मुहर्रम का महीना गमी का महीना है, ये भी गलत है। गमी किस चीज का, उस दिन तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, और शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, जिंदों की गमी कैसे मनाते हो आप लोग? गमी मनाना ये तो सियाओं का काम है, वो सिया मनाते हैं जो मातम करते हैं, अपने जो सोचते हैं कि हमारी जो गलतियां हैं, गुनाहें हुई, अल्लाह इसे माफ़ करे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के फॉलोअर हैं, इमाम हुसैन के गुलाम हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, सैयदुश्शोहदा शहीद करबला के मानने वाले हैं, तो नमाज की पाबंदी कीजिए, लोगों के साथ नरमी अख्तियार कीजिए, लोगों के साथ मोहब्बत बांटिए, और उस दिन शादी ब्याह करना मना नहीं है, आप ये बात सुनिए।